नमस्कार, मैं हूं प्रवीण झा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सीटों का समीकरण। आज हम इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे नगीना विधानसभा सीट की। यहां के जातीय समीकरण क्या हैं, लोगों की प्रमुख समस्याएं क्या हैं और साथ ही हम आपको पिछले कुछ चुनाव नतीजों के बारे में भी विस्तार से बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं सीटों का समीकरण। सबसे पहले आपको नगीना सीट के इतिहास के बारे में बता देते हैं। बिजनौर जिला मुख्यालय से लगभग 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नगीना की पहचान काष्ठ कला के लिए है। नगीना विधानसभा एक सुरक्षित सीट है और यह सीट दलितों की राजनीति का मुख्य केंद्र भी है। नगीना विधानसभा क्षेत्र में काष्ठ कला की करीब 800 से ज्यादा इकाइयां हैं, जिसमें हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। काष्ठ कला का टर्नओवर करीब 400 करोड़ रुपये सालाना का है। 2017 के चुनाव की बात करें तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के मनोज कुमार पारस ने जीत हासिल की थी। अब बात इस सीट पर जातीय समीकरण की कर लेते हैं। जातिगत आंकड़ों की बात करें तो अनुमान के मुताबिक लगभग 70,000 दलित, 65,000 मुस्लिम, 35,000 से 40,000 सैनी, 20 से 25,000 के बीच पाल बिरादरी के मतदाता हैं। करीब 10,000 कुम्हार, 15,000 के करीब जाट, 10,000 के करीब वैश्य और 5,000 के करीब ब्राह्मण और पंजाबी मतदाता भी यहाँ पर हैं, जो लगातार इस सीट पर चुनाव के नतीजे को बदलते रहते हैं। अब बात कर लेते हैं नगीना विधानसभा सीट के अंकगणित के बारे में। इस सीट पर 17वीं विधानसभा चुनाव 2017 के आंकड़ों की बात करें तो यहां कुल मतदाताओं की संख्या 3,28,589 है। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,75,092, महिला मतदाताओं की संख्या 1,53,478 और थर्ड जेंडर के 19 मतदाता हैं। अब आपको पिछले कुछ चुनाव नतीजों के बारे में विस्तार से बता देते हैं। 17वीं विधानसभा चुनाव 2017 विधानसभा चुनाव में इस सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मनोज कुमार पारस ने जीत हासिल की। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी की ओमवती देवी को 7,967 वोटों से हराया। मनोज कुमार पारस को कुल 77,145 वोट जबकि ओमवती देवी को 69,178 वोट मिले थे। वहीं बहुजन समाज पार्टी के वीरेंद्र पाल 49,693 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। 16वीं विधानसभा चुनाव 2007 विधानसभा चुनाव में इस सीट पर सपा के मनोज कुमार पारस ने जीत हासिल की थी। उन्होंने बीएसपी की ओमवती देवी को परास्त किया था। मनोज कुमार पारस को कुल 83,997 वोट मिले थे जबकि बीएसपी की ओमवती देवी को 57,451 वोट मिले थे और दूसरे नंबर पर रही थी। वहीं 23,008 वोट लाकर लवकुश कुमार तीसरे स्थान पर रहे थे। 15वीं विधानसभा चुनाव 2007 विधानसभा चुनाव में यहां से बीएसपी की ओमवती देवी विजयी रही थी। उन्होंने समाजवादी पार्टी के मनोज कुमार पारस को पराजित किया था। ओमवती देवी को 46,551 वोट मिले थे जबकि सपा के मनोज कुमार पारस को 36,764 वोट मिले थे। वहीं बीजेपी के लवकुश कुमार को 24,000 वोट मिले थे और वो तीसरे स्थान पर रहे थे। 14वीं विधानसभा चुनाव 2002 विधानसभा चुनाव में सपा की ओमवती देवी को जीत मिली थी। उन्होंने बीएसपी के मनोज कुमार पारस को हराया था। ओमवती देवी को कुल 42,684 वोट मिले थे जबकि मनोज कुमार पारस को 40,553 वोट मिले थे। वहीं बीजेपी के चंद्रपाल सिंह 38,394 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। पिछले चार चुनाव परिणामों पर नजर डालें तो इस सीट पर एक बार बहुजन समाज पार्टी और तीन बार समाजवादी पार्टी को जीत मिली है। अभी भी इस सीट पर समाजवादी पार्टी का ही कब्जा है। अब देखना होगा कि इस बार समाजवादी पार्टी इस सीट को बचा पाने में कामयाब होती है या नहीं। तो इस सीट के बारे में बस इतना ही। आगे हम आपको इसी तरह से एक एक सीट के बारे में विस्तार से बताते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।